हेलो दोस्तों, मैं विशाल गोयल आपका स्वागत करता हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, मैं हार्डवेयर के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। आज हम बात करेंगे स्क्रू के बारे में। स्क्रू हार्डवेयर की दुकान पे एक अहम भूमिका निभाता है। स्क्रू उसमें मार्जिन भी बहुत अच्छा है। अगर आप लूज में स्क्रू बेचते हैं ना, तो एक डब्बे के आप 3 डब्बे बना सकते हैं। डबल तो है ही। अब पैकेट के पैकेट होलसेल में देते हैं, तो जब भी 25-30% 40% का मार्जिन है। वैसे तो रेंज बहुत है स्क्रू की, मगर आप 10,000 रुपये में आपकी एक हार्डवेयर में पूरी रेंज हो जाती है स्क्रू की। सारी रेंज जो ज़्यादा चलने वाले ही होते हैं, सारे 10,000 में आपके आ जाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ कौन से स्क्रू सबसे ज़्यादा चलते हैं, उसमें कितना मार्जिन है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्क्रू पेज के सैंपल लगे हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा चलने वाले स्क्रू हैं, यही चलते हैं आपके हार्डवेयर की दुकान पे। सबसे पहले तो ये स्क्रू चलते थे आप चूड़ी में, ये 20-5, ये माइनस में होता है, 20-5, 25-6, 30-7, 35-8, 1 इंची, 1.5 इंची, 1.5 इंची, 1.75 इंची। मैं इनका ज़माना गया, अभी कोई नहीं लेता, क्योंकि ये हर कारीगर ना ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करता है, तो इसलिए स्टार वाले पेज ज़्यादा चलते हैं। ये भी अब थोड़ा बहुत चलता है, मगर अब नहीं चलता, कम ही चलता है। ये 1.5 इंची डब्बा ही लोकल में या 25-26 रुपये की डब्बी आती है, 40-45 रुपये की सेल हो जाती है। नीडल फूड्स की आती है वो 35 रुपये की लगभग आती है, 50-60 रुपये की सेल हो जाती है। सबसे ज़्यादा चलता है चाइनीज़ पेज, सबसे ज़्यादा चलता है ये। 1.5 इंची का ये साइज़ है, 150 रुपये के लगभग डब्बा आता है 1000 पीस का, जो अपना लूज में 5 रुपये दर्जन सेल हो जाता है। कई लोग इसको तौल से भी दे देते हैं, अपना 100 ग्राम का हिसाब बना लेते हैं, 40 रुपये का 100 ग्राम, 30 रुपये का 100 ग्राम, क्योंकि 100 पीस में 100 ग्राम वजन होता है इसमें। इसमें 1.5 इंची, 1 इंची, 1.75 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची तक सबसे ज़्यादा चलता है, 2.5 इंची, 3 इंची कम चलता है। ये ब्लैक हो गया जिप्सन, ये वाइट वाला जिप्सन हो गया, ये उससे 100-125 रुपये महंगा आता है डब्बा। ये भी 7 रुपये दर्जन, 6 रुपये दर्जन सेल हो जाता है। एक डब्बे के 3 डब्बे आराम से हो जाते हैं। कम मार्जिन पे भी काम करते, डबल तो आराम से हो जाता है लूज में। पैकेट भी जाता है 1000 पीस का, तो वो भी 40-30% मार्जिन पे सेल हो जाता है। ये आता है 1960 का पेच, वैसे बोलते हैं 1960 का, मोटाई इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। ये होल्डिंग पलंग वगैरह है ना, उसमें ज़्यादा खसा जाता है। ये 1000 पीस का डब्बा आता है 350-400 रुपये का, ये 7 रुपये दर्जन 8 रुपये दर्जन सेल हो जाता है। सबसे ज़्यादा फ्री चलता है आजकल ड्रिल मशीन, डायरेक्ट लोहे में पेच कस दिए जाते हैं, ऐसे बोलते हैं सेल्फ स्क्रू, स्टार वाला सेल्फ स्क्रू है। ड्रिल मशीन से हाली में खसी जाती है लोहे में, ये जब सबसे ज़्यादा सेल होता है। ये 1.5 इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 2 इंची तक होता है ज़्यादा सेल, तो 7 रुपये दर्जन 8 रुपये दर्जन आराम से सेल हो जाता है। ये 250 रुपये का डब्बा आता है, जो हमारा 300-350 रुपये का सेल हो जाता है लूज़ में, 7 रुपये 8 रुपये दर्जन। इसके बाद आता है गोटी वाला सेल्फ स्क्रू, ये पीस के हिसाब से आता है, 1.5 इंची का 75 पैसे, 80 पैसे का आता है, जो 1 रुपये 1 रुपये 20 पैसे का सेल हो जाता है। फिर 1 इंची है, फिर ये 1.5 इंची है, तो ये 3 साइज़ ज़्यादा चलते हैं, बड़े साइज कम चलते हैं। फिर आपका आता है ये हैंडल वाला, हैंडलों में ज़्यादा लगता है। ये बास्केट जो मॉडुलर किचन की बास्केट होती है ना, उसमें ज़्यादा कसा जाता है डबरी, इसके साथ डबरी और पेच भी लगाया जाता है, डिग्री और वाल चल। ये भी 400 रुपये का, 1 इंची 400 रुपये का पैकेट आता है 1000 पीस का, ये 1 रुपये का एक पीस बिक जाता है। ये बारीक चूड़ी का हैंडल वाला पेच, 1 इंची 1.75 इंची साइज में आता है, 1 रुपये 1.5 रुपये का 2 रुपये का सेल हो जाता है। ये SS के पेच हैं, पहले माइनस वाले चलते थे कब्जे वगैरह में लगाने के लिए, अभी स्टार वाले चलने लगे हैं SS के, वो भी ड्रिल मशीन से हाली में खसी जाते हैं या खुल जाते हैं, इसलिए अभी ज़्यादा चलने लगे हैं। ये 50 पैसे के लगभग आता है, जो 1 रुपये का सेल हो जाता है आराम से।
दोस्तों बस यही है, यही सबसे ज़्यादा चलने वाले स्क्रू हैं। मतलब स्क्रू तो बहुत कई तरह के आते हैं, मशीनरी वाले स्क्रू भी बहुत तरह के आते हैं, मगर सारे आइटम रख नहीं पाते ना एक हार्डवेयर की दुकान पर। तो सबसे ज़्यादा स्क्रू यही चलते हैं। मार्जिन भी बहुत बढ़िया है, एक डब्बे के 3 डब्बे आराम से हो जाते हैं। लूज में बेचेंगे तो 2 दर्जन 5 दर्जन कर करके एक डब्बे के 3 डब्बे आराम से कर लेते हैं आप। इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है, 10,000 रुपये की रेंज में आपके सारे स्क्रू की रेंज बन जाएगी 10,000 रुपये में, और इससे बढ़िया क्या होगा। तो बस यही जानकारी आप लोगों को देना थी, ये ऐसी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा मेरा। तो दोस्तों बस मैं दुकानदारों का थोड़ा इश्यू था कि हम स्क्रू क्या रेट बेचें क्या नहीं बेचें क्या रेट बिकता है, तो बस यही जानकारी देनी थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।